तो फाइनली गाइस हमारा ये विलेज स्टाइल में पालक चिकन तैयार है, देख सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस, तो आज अपना किचन ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, विलेज के स्टाइल में बना रहे हैं। गाइस, तो हमने यहाँ पे एक आधा किलो पालक ले लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, फ्रेश पालक हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम पालक को एक डंठल इसका साइड कर लेंगे, इस तरह से काट के। इस तरह से गाइस हमें डंठल साफ कर लेना है। और तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर को इस तरह से हम डंठल निकाल लेंगे। इस तरह से गाइस हम डंठल सारे निकाल देंगे इसको। गाइस, इसको हम उबालना नहीं है गाइस, इसको हम चॉप करके बारीक काट के फिर बनाएंगे गाइस, विलेज स्टाइल में। गांव में कैसे बनाते हैं पालक पनीर, तो उसी तरीके से गाइस आज हम आपसे ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं गाइस। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे। तो देख सकते हो गाइस, इस तरह से हमें साफ कर लेना है। फिर इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं, मैं इस तरह से अच्छे से वॉश कर लिया गाइस। तो अब इसको हम बारीक काटेंगे गाइस, इसको अब हम बारीक से काटेंगे। तो इस तरह से गाइस लेना है थोड़ा थोड़ा सा, शायद आपको वीडियो क्लियर नहीं आते होंगे गाइस, इसके लिए सॉरी। तो गाइस इस तरह से हमें अच्छे से देख सकते हो गाइस, इस तरह से हमें थोड़ा चॉप कर लेंगे गाइस, टाइम तो लगेगा। तो गाइस इस तरह से हमें चॉप कर लेना है सारे पालक को। तो गाइस अब हम इसमें इस तरह से गाइस चॉप कर लेना है, देख सकते बारीक से सारा हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे।
तो कर लेना है। सारे पालक को हमने चॉप कर लिया है, इस तरह से हमने सारे पालक को चॉप कर लिया है। तो गाइज हमने यहाँ पे चार ओनियन ले लिया, तो इसको बारीक से हमें चॉप कर लेना है। इस तरह से हमें बारीक चॉप कर लेना है। इस तरह से गाइस हमें सारे ओनियन को चॉप कर लेना है। तो गाइस इस तरह से हमें चॉप कर लेना है। हमने चार मीडियम साइज़ का ओनियन लिया था, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादा अगर मसालेदार बनाना चाहते हैं तो 5-6 टमाटर प्याज डाल सकते हैं। सेम उसी तरह से गाइस हमने यहाँ पे 3 टमाटर ले लिया, तो सेम उसी तरह से इसको हम भी चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, हम तो यहाँ चॉप कर रहे हैं क्योंकि विलेज स्टाइल में बना रहे हैं, तो गाइस इसमें चॉप ही जाएगा। इस तरह से हम चॉप कर लेंगे।
तो गाइज हम इस तरह से बारीक चॉप कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से हम चॉप कर लेंगे टमाटर को। आप चाहे तो इसको उबाल के पीस के भी डाल सकते हैं, पर हम देसी गांव के तरीके से बना रहे हैं तो इसमें हम चॉप ही डालेंगे। तो गाइज हम इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां ले लिया हूँ और 2 मीडियम पीस मैंने ले लिया अदरक। तो गाइज इसको हम पेस्ट बना लेना है कूट के इस तरह से। इस तरह से मैं कूट लेना अच्छे से। देख सकते हो गाइस इस तरह से हमें कूट के पेस्ट बना लेना है फ्रेश। तो गाइस हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें हम 100 ग्राम तेल डाल रहे हैं गाइस। तो गाइस तेल हमारा गर्म हो गया तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा। साबुत जीरा खाने के बाद गाइस हम डालेंगे 3 साबुत मिर्च। मिर्च का कलर चेंज हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई गार्लिक और जिंजर।
तो थोड़ा सा गार्लिक हमारे रंग बदल रहे हैं, तो गाइज अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। गाइस इसको हमें चलाते रहना है, नहीं तो एक प्याज ब्राउन हो जाएगा, एक कच्चा ही रह जाएगा। तो इसे हमें धीरे हाथों से चलाते ही रहना है जब तक हमारा प्याज ब्राउन नहीं हो जाता है। तो हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर। दो चम्मच धनिया पाउडर। एक चम्मच कुटी हुई मिर्च। और हम नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। इसको हमें फिर से चला लेना है, दो से एक से डेढ़ मिनट तक इसको ऐसे भूनना है ताकि हमारा मसाला भी इसके साथ साथ भुना जाता है। ये गांव के स्टाइल का सीक्रेट यही है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे चॉप किया हुआ टमाटर।
गाइस, इसको अच्छे से टमाटर गलने तक हमें भूनना है। गैस का फ्लेम हम कम कर लेंगे। इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। देखिए टमाटर हमारा गल चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे ताकि टमाटर हमारा पूरी तरह से गल जाएगा। तो 2 मिनट हम पका देंगे गाइस। गैस मसाला हमारा तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे गैस पालक। इस तरह से हम पालक डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम जो हम तेज कर लेंगे। तो हम ढक के 2 मिनट इसको पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो छोड़ देगा पालक का। देख सकते हो गाइस पालक अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमें इनको अभी भूनना है अच्छे से। गाइस आप गांव के स्टाइल में पालक पनीर हम बना रहे हैं मसालेदार। दो से 3 मिनट ढक के पकाने हैं। और देख सकते हो गाइस पालक अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमें इनको अभी भूनना है अच्छे से। गाइस आप गांव के स्टाइल में पालक पनीर हम बना रहे हैं
मसालेदार। इसको 2 से 3 मिनट ढक के पकाना है और हम देखते हैं। पालक का पानी गैस शुरू से पक गया है। में हम थोड़ा सा मीट में 400 ग्राम पनीर यूज कर रहे हैं, तो पनीर को हम इस तरह से क्यूब में काट लेंगे। इस साइज में हम क्यूब में काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से गाइस हम बड़े बड़े क्यूब में काट लेंगे। इसको हम थोड़ा सा स्लो फ्राई करेंगे। पनीर फ्राई करने के लिए थोड़ा सा हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें इस तरह से फ्राई कर लेना है गाइस। देखिए इस तरह से घुमा घुमा के हमें चारों तरफ से फ्राई कर लेना।
देखिएगा जी, इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है थोड़ा सा स्लो फ्राई। अब इनको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो गाइस इस तरह से हमें दूसरी निकाल लेना है फ्राई करके, देखते हैं। पालक का पानी गाइस पूरी तरह सूख गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा, तो हेलो गाइज, कुछ प्रॉब्लम को जैसे इसका आगे का वीडियो गाइज हम नहीं दिखा पाए, इसके लिए तो फाइनली गाइज हमारा ये विलेज स्टाइल में देख सकते हो। वीडियो कैसे लगा तो गाइज आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।